मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अ जीके क्लास एंड इन जीके टुडे वी विल डू द ब्रेन वर्कआउट्स. ब्रेन वर्कआउट्स मीन्स जैसे आप फिजिकल वर्क करते हैं ना, वैसे ही अब आपके ब्रेन को वर्कआउट करना है. किसको करना है? आपके ब्रेन को. नाउ ओपन एट पेज नंबर 11. ओपन एट पेज नंबर 11, मेंटल प्लान्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज काउंट द साइड्स. हियर इज अ सर्कल. यहाँ पर एक सर्कल है, उस सर्कल की जो साइड है वो हमें काउंट करनी है. तो लुक एट योर बुक, आपकी बुक में देखेंगे आप, और अगर आप सामने बोर्ड से देखना चाहें तो लाइक दैट. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसमें जो सर्कल देखिए आपको बुक में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर दे रखे साइज 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 साइड्स आर देयर. द आंसर इज 10. नाउ नंबर क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 एग्स इन वन ट्रे. एक ट्रे में 6 एग्स हैं एंड द अदर वन एंड 9 एग्स इन अनदर ट्रे. अनदर ट्रे में कितने एग्स हैं? 9. ओके, हाउ मेनी एग्स आर देयर इन टोटल? टोटल मीन्स हमें प्लस करना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 9 हम 9 करेंगे, 6, 7, 8, 9. अब 6 और करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल हो गए 12 and 13, 14 and 15. टोटल हो गए 15. तो आंसर इज 1 and 5, 15. ओके, नाउ 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5 more than 70 इज. 5 more than 70, मोर देन यानी हमें 70 में 5 और प्लस करने हैं. तो 71, 72, 73, 74, 75. करेक्ट आंसर इज 75. इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा. 2 more than 3, तो 3 के बाद 4 and 5, ठीक है. 1 more than 60, देन 61. 10 more than 20, देन टोटल 30. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन सीन बुक. देखिए, हाउ मैनी स्क्वायर्स डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर्स दिया, सो ए पिक्चर्स आ दिया. यहाँ स्क्वायर काउंट करने हैं, तो स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. येलो कलर्स आर स्क्वायर. तो ये आंसर इज, हेयर द आंसर इज 10. ओके, नाउ नंबर फाइव. इफ वी टेक अवे 5, देखिए 5, यदि हम 5 को ले लेते हैं, ठीक है, 5 को उसने ले लिया, 5 चीज़ उसने जो भी कुछ थी ले लिया, ठीक है, एंड 3 और 3 वो 20. 5 और 3 अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम 20 में से, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा 5 और 3 ले लिए तो? टोटल 20, तो देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब 20 में से हमने क्या ले लिया? हमने 20 में से ले लिया 5 ले लिया, और 1, 2, 3, यानी ये सारे हमने ले लिए. अब क्या बच गया हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो आंसर इज 12. तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा? 12. कंप्लीट द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में बेटा एक गड़बड़ है. इस सीक्वेंस वाला जो है ना, इसमें गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है इसमें? इसमें आपको दिया हुआ है 25, 23, 19. इसमें बीच में 21 भी है. देखो ऐसे, जैसे आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, 25, 23, 21 and 19. दीज ऑल आर ऑड नंबर्स. ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर ऑड नंबर्स. सभी ऑड नंबर हैं. अब दूसरा इसका पैटर्न क्या होगा? 17, 15 and 13. ये देखो, इससे 17, 15, 13, 11 ऑल्सो केवल उस पर दिया हुआ है. तो ये भी बेटा 4 है और ये भी 4 है. सर 21 स्किप कर रखा था गलती से, एक स्पाय मिस्टेक. तो आपको ये सारे ऑड नंबर को चेक करके, इसमें 1-1 का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको हटा के स्किप करके, और आपको ऑड नंबर, इवन नंबर हटा दो एक एक, और आगे का ऑड नंबर लिख लो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन देखिए, नंबर 7, विच ऑफ दीज विल मेक 10? इनमें से कौन सा है जो 10 बनाएगा? अब 5 divided by 2, अब 2 को 5 से, आप 5 को 2 से डिवाइड करो या ऐसे करो, तो आपका 10 तो आना नहीं है, ठीक है. 5 minus 2, 5 में से माइनस 2 कर दिए तो 3 आएगा, 10 नहीं आएगा. 5 into 2, करेक्ट आंसर इज 5 into 2, 5 2 10. ये करेक्ट आंसर, ठीक है. विच नंबर विल कम नेक्स्ट? इसमें से कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा? देखो 21,
फिर उसमें ऐड करें 21 के बाद 22, 23, 24 तीन हटा के चौथा, 25 के 26, 27, 28 थ्री हटा के फोर्थ, ऐसे ही 37 के बाद थ्री हटा दो 38, 39, 40 थ्री हटा दिए फोर्थ कौन सा होगा 41 आंसर इज 41। एंड द नाइन्थ वन देखिए सर्कल का ऑड नंबर, इसमें 12 है 22 है 37 है 42 है ठीक है, तो 37 इज ऑड नंबर, ऑल आर इवन बट ओनली 37 इज ऑड, और हमें बोला है ऑड को ही हमें सर्कल करना है तो 37। व्हाट इज 10 मोर देन 30, जब 33 में 10 अगर और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली 43 ठीक है। ये तो था सिंपल सा मेंटल मैथ, इसके बाद हम करेंगे एक और है आपका शेप्स का पैटर्न है कि उसमें आप कौन सी शेप्स आगे आएगी। बेटा इट्स वेरी सिंपल, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका फर्स्ट में दे रखा है, देखो फर्स्ट वाले में दे रखा है, इसमें बुक से देखिए सर्कल स्क्वायर एंड सर्कल तो क्या का क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो देखिए मैंने स्क्वायर ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड देखेंगे हॉट स्टार ऐसा कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं ऐसे देखती हूँ 1 2 1 2 1 तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है शेप्स का तो इसमें बता रखा है, इसके अलावा भी आ सकता है A B A B A डैश, अब क्या आएगा बी आएगा ठीक है, तो इसमें स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर ठीक है, सर्कल हाफ ओके। ये शेप्स ये वाली कौन सी, 5 और 6 वाली, ये पेंटागन हेक्सागन होती है ना बेटा वो है, तो इसमें देखिए इसमें आएगा आपके लास्ट में आके यहाँ पर पिंक वाली है येलो, ये पिंक वाला पेंटागन वाला ठीक है। अब ये शेप देखिए स्टार ओवल स्टार तो ये क्या हो गया यहाँ पर ओवल शेप आ गया, ये स्क्वायर हॉट स्क्वायर यहाँ पर हॉट आ गया। तो दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस बट यू हैव टू यूज योर माइंड, अब आप सोचो कि यहाँ पर कौन सा बनाऊँ क्या बनाऊँ, ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा ये जो होती है ना ट्रिक्स होती हैं, ये सीक्वेंस क्रम होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ठीक है, उसने जगह छोड़ दिया ना 5 छोड़ दिया उसने ठीक है, फिर उसने कहा 6, 7, 8, 9 अब क्या आएगा 10, चार लिखा एक छोड़ा तो वो छोड़ा जो क्या छोड़ा है 5 उधर छोड़ा है, ऐसे इस तरीके से सीक्वेंस बनता है बेटा ठीक है। तो काउंट करने होता है 2 है 3 है ओके। एंड स्टूडेंट्स लिसन, टुडे इज योर प्रैक्टिस पेपर ऑफ GK, आई सेंट द सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न टाइप पैटर्न ऑल्सो, तो वो जो है आप अच्छे से देख लेंगे अपने ग्रुप पे और आप उसको अच्छे से करके उसके बाद अपना प्रैक्टिस शीट पेपर कर लेंगे ओके। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।